प्रीवियस क्लास से जितना पढ़ाया था समझ में आया हुआ हाइड्रोलॉजी में न्यूमेरिकल। आया हुआ है समझ में सबको? यस और नो? फिर आज आगे मूव ऑन करता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। प्रीवियस क्लास का कुछ डाउट है? जल्दी बोलो। ठीक है आगे मूव ऑन करते हैं अपन। डिजाइन ऑफ रेन गॉज डिजाइन ऑफ रेन गॉज नेटवर्क टू ऑब्टेन द रिलायबल रेनफॉल डाटा द रेन गॉजेस इन द कैचमेंट एरिया शुड बी इवनली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब एकदम तरीके से मतलब डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए, ये नहीं कि कभी कम कभी ज्यादा, ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए सब रेन गॉज स्टेशन का, ठीक है ना। फिर है देयर देयर नंबर शुड बी आइदर टू मैनी नॉट टू लेस एज टू गिवन रिलायबल रिजल्ट, ठीक है ना। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉज आर रिक्वायर्ड इन कैचमेंट एरिया टू गिव करेक्ट एवरेज रेनफॉल। इतने मतलब कम से मतलब इतने तो रिक्वायरमेंट हो सकते हैं कि वो एकदम करेक्ट रेनफॉल डाटा दे। हाउएवर द डेंसिटी ऑफ द रेन गॉज मे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। ये देख लो, ये ध्यान रखना, ये मेरे नोट्स के अंदर भी है, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। देखो एक टेरेन प्लान वन स्टेशन कितने पे होना चाहिए? 520 किलोमीटर स्क्वायर। कितने पे होना चाहिए? एक स्टेशन 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इतना इतना बे होना चाहिए इन रीजन ऑफ एवरेज एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर। मतलब अगर 1000 मीटर की पहाड़ी है तो 260 से लेकर 360 किलोमीटर स्क्वायर में एक होगा, और हिली एरिया विथ हैवी रेनफॉल में होगा एक स्टेशन पे 130 किलोमीटर पर। मतलब चेरापूंजी में अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पर ये वाला लगेगा। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस ऐसे निकालता है निकल। क्या चेरापूंजी में ज्यादा बरसात नहीं होती है। हुआ? चेरापूंजी में ज्यादा बरसात नहीं होती अब। आप चेंज हो गए हैं उसके अंदर, उसके बाद में एक एरिया वहां पर ज्यादा होती है। अब पूरा ना एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मासिनराव हाँ तो मासिनराव एल इजिकल्स टू सी वी, एक मिनट रुका तू बीच में बोला, एल इजिकल्स टू सी वी बाई ई का होल स्क्वायर। देखो सी क्या है? कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल वैल्यूज एट द एग्जिस्टिंग स्टेशन अलाउेबल परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ बेसिक मीन रेनफॉल। सी क्या होगा? अलाउेबल परसेंटेज एरर होगा, इससे अपन के ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गॉजेस निकलेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा कैसे प्रेजेंट करोगे? और रेनफॉल एट अ प्लेस कैन बी डिस्क्राइब इफ इट्स डेंसिटी ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी आर नोन। द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज द रेट एट विच इट इज फॉलिंग। द ड्यूरेशन इन द टाइम फॉर विच रेन इज फॉलिंग विद गिवन इंटेंसिटी। और आखिरी फ्रीक्वेंसी इन द नंबर ऑफ टाइम्स द रेनफॉल इज फॉलिंग। इस तरह से अपन को डाटा इसका प्रेजेंट करना है। मास कर्व ऑफ रेनफॉल इट इज अ प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रिसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम प्लॉटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्ट्रॉम इंटेंसिटी एट विच इंटरवेल इन अ स्ट्रॉम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। ये देखो ये एक्यूमुलेटेड प्रिसिपिटेशन है, बारिश इतने से टाइम पे हुई है और टाइम डेज के अंदर है कितने कितने टाइम से बारिश हुई है। ये देखो फर्स्ट स्ट्रॉम 10 सेंटीमीटर गए, फिर एकदम इक्वल कंटिन्यू चली, फिर वापस बढ़ी और फिर वापस कंटिन्यू हो गई, ठीक है ना, कांस्टेंट हो गई। ऐसे अपन के रेनफॉल डाटा मतलब मास कर्व भी होता है। ये भी मेरे नोट्स के अंदर दिया हुआ है, तो नोट्स के अंदर से तुम लोग ये पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर है हेट्रोग्राफ। हेट्रोग्राफ कैसा होता है पता है तुम लोगों को? फिर पढ़ाना चालू करूं? हेटोग्राफ कैसा होता है पता है किसी को? किसे बोलते हैं हेटोग्राफ?
हाइड्रोग्राफी नहीं बोलते। ओके और किसी को पता है बताओ जल्दी से मुझे। नहीं मैं बता रहा हूँ। कभी तुम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम बनाए हुए हैं? ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक ग्राफ बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए? उससे ही हेट्रोग्राफ बोलते हैं। नेट सर्च मार लेना, ये ऐसे होता है। देखो बता रहा हूँ तुम लोगों को। अरे सर ज्योमेट्री में ये मैथ्स में बहुत बनाए थे सर आते हैं। इसे ही हाइटोग्राफ बोलते हैं। आप ठीक है, अपन यहाँ पर केवल हाइटोग्राफ पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है अब देखो, देखो। हाँ ठीक है। इट इज अ प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम इंटरवल। ये याद रखना किसके बीच में बनता है, रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम इंटरवल के बीच में बनता है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला चीज है कि हाइड्रोग्राफ भी रेनफॉल रेनफॉल ये देखो हाइड्रोग्राफ भी इसी के बीच में बनता है। हाइड्रोग्राफ आगे आएगा और हाइड्रोग्राफ तुम्हारे इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट हाइड्रोग्राफ हो या हाइड्रोग्राफ। ठीक है ना। हाइड्रोग्राफ कैन बी डिराइव फ्रॉम मास कर्व ऑफ रेनफॉल। टू ड्रॉ द हाइड्रोग्राफ अ कन्वीनियंट टाइम पीरियड इज चूजन एंड करस्पॉन्डिंग एक्यूमुलेटेड रेनफॉल इज नोटेड फ्रॉम द मास कर्व ऑफ द रेनफॉल। फ्रॉम इट द इंटेंसिटी ऑफ फॉर द टाइम पीरियड इज कंप्यूटेड एंड इट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम पीरियड टू गेट द हाइटोग्राफ। द एरिया अंडर द हाइटोग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल रेनफॉल रिसीव इन दैट पीरियड। इट इज यूजफुल इन एस्टिमेशन ऑफ डिजाइन स्ट्रॉम फॉर प्रिडिक्टिंग एक्सट्रीम फ्लड। ये देखो हाइटोग्राफ। देख लिया। इसे अपन को पता चल जाएगा इस टाइम इंटरवल में कितनी बारिश हुई। ठीक है। पॉइंट रेनफॉल, पॉइंट रेनफॉल आल्सो नोन एज स्टेशन रेनफॉल रेफर्स टू द रेनफॉल डाटा है ऑफ अ स्टेशन। ये देख लो, ये तुम्हारे वैसे है नहीं पर पॉइंट रेनफॉल जानना जरूरी है कि पॉइंट रेनफॉल कैसे कैसे। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे कोई बारिश होती है तो फिर वो वहां पे जो बारिश का डाटा होगा उसे पॉइंट रेनफॉल कहा जाएगा। इवेपोरेशन एंड इट्स मेजरमेंट। इवेपोरेशन कैसे मेजर करोगे? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय लिक्विड लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर बाय द ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द एटमॉस्फेयर। इवेपोरेशन आर स्मॉल फॉर रन ऑफ इवेंट एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। द बल्क ऑफ दीज एब्स्ट्रैक्टेड दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन द रन ऑफ इवेंट which is usually long, hence these are more important during the time interval. अब मुझे एग्जांपल सीधे से यहाँ पर एक टर्म यूज आया है, क्या होता है? हाँ रन ऑफ क्या होता है? What do you mean by run off? Run off क्या होता है?
ऑफ वाटर कहाँ पर? जो सर्फ पे वाटर फ्लो होता है बारिश के बाद उसे रन ऑफ कहा जाता है। सेक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? वेपर प्रेशर बिटवीन द वाटर सरफेस एंड एयर अबाउट, टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड, डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर क्वालिटी, साइज ऑफ वाटर बॉडी, रेडिएशन एंड ह्यूमिडिटी, ये सारे इवेपोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। वेपर प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द सेचुरेशन वेपर प्रेशर एट द वाटर टेम्परेचर ई डब्ल्यू एंड द एक्चुअल वाटर प्रेशर इन द एयर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईवीएल। इसकी केवल थ्योरी थ्योरी है याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो केवल थ्योरी थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है ना। ईएल होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ई डब्ल्यू एंड ई आर इन एमएम ऑफ मर्करी, और इवेपोरेशन कंटिन्यूस स्टेट ई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ई ए। दोनों अगर बराबर नहीं आते जब तक इवेपोरेशन चलता रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर अदर इवेपोरेशन, देखो अब मैं बात सुनो, अगर ई डब्ल्यू माइनस ई ए अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा जीरो, खुद देख लो। इसीलिए ये बराबर होने पे इवेपोरेशन रुक जाता है। टेम्परेचर अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विल इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर, इंक्रीज इन इवेपोरेशन रेट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। एटमोस्फेरिक प्रेशर और डिक्रीज इन द बैरोमेट्रिक प्रेशर एज इन हाई एल्टीट्यूड इंक्रीजेस इवेपोरेशन। बैरोमीटर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? बैरोमीटर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बैरोमीटर? आंसर दो यार, बैरोमीटर क्या होता है? हारून हर चीज क्या रेनफॉल ही मेजर करेगी? कुछ तो सोच के आंसर देते हैं यार। बैरोमीटर एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापता है। क्लास भाई क्लास। विंड स्पीड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, कम से कम ये ध्यान रखो। विंड स्पीड, विंड एड इन रिमूविंग, ये देख लो आंसर क्या लिखा हुआ है, देखो द डिक्रीज इन द बैरोमेट्रिक प्रेशर एज इन हाई एल्टीट्यूड इंक्रीजेस इवेपोरेशन, इसी से पता चल जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर नापता है। विंड स्पीड, विंड एड इन रिमूविंग द इवेपोरेटेड वाटर वेपर्स फ्रॉम द जोन ऑफ इवेपोरेशन एंड कंटिन्यू कंसिक्वेंटली क्रिएट ग्रेटर स्कोप फॉर इवेपोरेशन। वाटर डेप्थ हीट स्टोरेज इन वाटर बॉडी, ठीक है ना, कितनी डेप्थ रहनी चाहिए, साइज ऑफ वाटर बॉडी क्या होनी चाहिए, ये वाली चीज है। वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर खराब है, टर्बिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, टर्बिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सीधी सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है। मेजरिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ इवेपोरेशन, इंपेरिकल इवेपोरेशन इक्वेशन, वाटर बजट इक्वेशन, एनर्जी बजट इक्वेशन, मास ट्रांसफर मेथड, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड पैन ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे काम की केवल ये वाली है वाटर बजट मेथड, ये ध्यान रखना। ये इसका क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी के अंदर, न्यूमेरिकल में बहुत रेयर है, पर कंपटीशन में वाटर इससे पूछ किया जाता है, ठीक है ना। ये इंपेरिकल मेथड, इसमें देख लो पिंडार इक्वेशन दी है 1883 में, डॉलर इक्वेशन दी है 1931 में, मायर इक्वेशन दी है 1915 में, और लेग में इक्वेशन दी है, ठीक है ना, ई इक्वल टू 0.033 पर डी, ये इसके सारे टर्मिनोलॉजीज है। अब वाटर बजट इक्वेशन, वाटर बजट इक्वेशन क्या होती है, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो, चेंज इन वाटर स्टोरेज होगा, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो,
कितना पानी आया और कितना इवेपोरेशन के अंदर उड़ गया, उसे बोलोगे तुम लोग वाटर बजट मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका सिंपल सीधा सा है, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन वाटर स्टोरेज, एनर्जी बजट मेथड। ठीक है ना, कितनी एनर्जी से कितना पानी, ये देखो सिमिलर टू द वाटर बजट इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड। अ हीट बैलेंस फ्लोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द इवेल्यूएटिंग फ्रॉम इनकमिंग आउटगोइंग एंड स्टोर्ड एनर्जी एज। ठीक है ना, एज इट इज वाटर बजट पे, वाटर बजट तो केवल क्वांटिटी पे नापता ही है, एनर्जी पे ये डिस्चार्ज पे नापता ही है, याद रखना। और आखिरी है मास ट्रांसफर्ड मेथड। मास ट्रांसफर्ड मेथड क्या होता है, व्हेन विंड फ्लोज ऑन द सरफेस और बाउंड्री इज फॉर्म, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द टर्बुलेंट मास ट्रांसफर इन द बाउंड्री लेयर टू कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर वेपर ट्रांसफर फ्रॉम सरफेस टू द सराउंडिंग एटमोसफेयर। मतलब उसके आजू बाजू में वो नमी इकट्ठी होती है, वो मास ट्रांसफर होता है। अब है मेथड ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, एटमोमीटर आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल सरफेस विच आर कैप्ड वेट फ्रॉम वेयर द इवेपोरेशन टेक प्लेस। ठीक है ना, दिस इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर टू द सरफेस फॉर मेजरिंग द इवेपोरेशन। अ वेराइटी ऑफ एटोमीटर आर यूज इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, पीछे मिले एटोमीटर, ये दो टाइप के हैं। पैन ऑब्जर्वेशन, पैन ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पानी का पानी रख दिया जाता है और पानी कितना उड़ता है उस पर देखा जाता है कि कितना ये चीज हुई है। ये देखो ऐसे, ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज रीजनेबली लो, इट इज इजी फॉर मेजरमेंट। डिसएडवांटेजेस है, द पैन गिव्स हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन देन दैट ऑफ लार्ज फ्री वाटर सरफेस। इफेक्ट ऑफ विंड एंड रेडिएशन आर मोस्ट विच ओवर एस्टिमेट द इवेपोरेशन रेट। ये था तुम्हारे आज का वाटर वाइज के ऊपर इवेपोरेशन तक एंडिंग। फिर कल नेक्स्ट क्लास में दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप कल मैंने जो असाइनमेंट लिया उसके अंदर कुछ डाउट है किसी को? और आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है बताओ।